स्टील की सिंक से ना खारे पानी के निशान आप आसानी से छुटा सकते हैं। जिस तरह से कंडीशन देख रहे हैं ना, आपको कोई भी खतरनाक केमिकल लेने की, महंगा केमिकल लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ से आप क्लीन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसी यूजफुल टिप्स मैं लाता रहता हूँ चैनल पर। अगर आप रोज़ की रोज़ इसको जब भी बर्तन धोते हैं, चाय के, सब्जी के, चाहे किसी भी प्रकार के बर्तन वगैरह धोते हैं, तो उसी टाइम अगर इसको साफ सुथरा कर देंगे, धो करके कपड़ा से पूंछ देंगे, तो जीवन में कभी ख़राब होगी ही नहीं। बहुत लोग तो हार्पिक वगैरह यूज कर लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा दिखती है कि हाँ ये अब इस पे दाग लग गए हैं, खारे पानी जैसे निशान लग गए हैं या किसी भी प्रकार के, तो वो लोग जल्दबाजी में इस पे हार्पिक यूज कर लेते हैं, तेज़ाब यूज कर लेते हैं। तो निशान को आप फिर से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये चीज़ें यूज नहीं करना है आपको। इस तरह से निशान हो जाते हैं तो आप आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, कभी भी आप बर्तन वगैरह धोते हैं तो आप इसको साथ की साथ धो करके कपड़े से पूछ देंगे, सूती कपड़े से। ये कभी ख़राब होगी ही नहीं। स्टील चाहे कोई भी स्टील की चीज़ हो, ज़रूरी नहीं है स्टील की सिंक ही हो, ठीक है। स्टील की बहुत सारी चीज़ें होती है, किचन में लगी हुई स्टील की चीज़ें होती हैं और बाथरूम में भी लगी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी गलती से ख़राब हो जाए तो उसको तेजाब या हार्पिक यूज नहीं करना है आपको। कभी भी स्टील को साफ कर रहे हैं ना, तो इस तरह से पहले पानी से धो लेना है। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए सिंपल सी चीज़ है, शैम्पू ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रब लिया है, इस तरीका का जूना ले लेना है। आप इसी से इसको क्लीन कर लेंगे, 50% तो आपका यही क्लीन कर देगा, बाकी का मैंने शैम्पू लिया। शैम्पू के अंदर हल्का कास्टिक होता है, इस तरह से आप इसको रगड़ देंगे। आपको कोई भी मार्केट से महंगा प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, महंगी चीज़ें आप शैम्पू से ही साफ कर सकते हैं स्टील की चीज़ों को। देखिए इस तरह से 5-7 मिनट तक रगड़ना है जूने को, 50% तो जूना ही क्लीन कर देगा और बाकी का 50% शैम्पू क्लीन कर देगा। चलिए इसको धोते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ऐसी यूजफुल टिप्स आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो इस तरह से चमका देना है शैम्पू की मदद से और स्क्रब की मदद से। थैंक यू सो मच।